Puspa. पुष्पराज, स्टार आइकॉन अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस जब पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी तो इस फिल्म के सामने हॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम थी। उसके बावजूद भी पुष्पा द राइस ने अपने पहले हफ्ते में ताबड़तोड़ कमाई की। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही पुष्पा द राइस का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, एक तरफ बॉलीवुड की बड़ी फिल्म 83 रिलीज हो गई, वहीं दूसरी तरफ तेलुगु सिनेमा की एक और बड़ी फिल्म श्याम सिंह रॉय भी रिलीज हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पुष्पा द राइस अपने दूसरे हफ्ते में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने के बावजूद भी ताबड़तोड़ कमाई करती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस के शुरुआती 9 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म ने अब तक कितने करोड़ की कमाई कर ली। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस को पहले हफ्ते में हिंदी मार्केट में सिर्फ 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया था और वीकेंड आते आते फिल्म के पास 1300 स्क्रीन हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस हफ्ते से 83 रिलीज हो गई। ऐसे में अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइस की जो हिंदी स्क्रीन है वो अब मुश्किल से 500 भी नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब पुष्पा फिल्म के पास में हिंदी वर्जन में सिर्फ 500 से भी कम स्क्रीन है। लेकिन दोस्तों, इतनी कम स्क्रीन होने के बावजूद भी पुष्पा द राइस दूसरे हफ्ते में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, जिसे देखते हुए लग रहा है कि यह फिल्म हिंदी मार्केट में लंबी चलने वाली है और फिल्म के जो फाइनल कलेक्शन है वो सबको हैरान कर देंगे। हालांकि दोस्तों, बात करें पुष्पा द राइस के अब तक के टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पुष्पा द राइस ने अपने पहले दिन हिंदी मार्केट से 3 करोड़ रुपए कमाए थे। वही फिल्म ने अपने वीकेंड यानी कि 3 दिनों में 12 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। लेकिन दोस्तों, पुष्पा द राइस का जो फर्स्ट वीक कलेक्शन है यानी कि शुरुआती 7 दिनों का कलेक्शन, वो हिंदी वर्जन में रहा था 26 करोड़ 90 लाख रुपए का। लेकिन आप बात की जाए इस फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों पुष्पा द राइस ने दूसरे शुक्रवार यानी कि 8वें दिन सिर्फ 500 स्क्रीन होने के बावजूद भी लगभग 2 करोड़ रुपए का हिंदी नेट कलेक्शन किया है, जो कि पूरी तरह से धमाकेदार कमाई मानी जा सकती है। वही बात करें इस फिल्म के 9th डे यानी कि 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों पुष्पा द राइस के हिंदी वर्जन को 9th डे पर एक हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और पुष्पा द राइस को मॉर्निंग वाले शोज में अपने 9th डे काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी मिली है। साथ ही साथ इस फिल्म की आज जो इवनिंग और आफ्टरनून शोज की एडवांस बुकिंग है वो भी काफ़ी सॉलिड है। तो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा द राइस अपने 9th डे हिंदी नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये। इसी के साथ दोस्तों, पुष्पा द राइस का शुरुआती 9 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन हो रहा है 31 करोड़ 40 लाख रुपये, वही हिंदी ग्रोस कलेक्शन लगभग 38 करोड़ रुपए। अब अगर बात की जाए फिल्म के वर्ल्ड वाइड सभी भाषाओं के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों पुष्पा द राइस की जो टीम है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि पुष्पा फिल्म ने शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते में सभी भाषाओं में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था 229 करोड़ रुपए। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म ने जहां 7 दिनों में 229 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था, तो फिल्म 8वें और 9वें दिन सभी भाषाओं में कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन और कर सकती है। यानी कि दोस्तों, पुष्पा द राइस का शुरुआती 9 दिनों में जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो लगभग 255 से 260 करोड़ के रेंज में हो रहा है, जो कि काफी बढ़िया कमाई मानी जा सकती है। तो दोस्तों, पुष्पा द राइस हिंदी वर्जन में सुपर डुपर हिट हो चुकी है। हालांकि फिल्म को तेलुगु वर्जन में अभी हिट का स्टेटस हासिल करने के लिए और भी ज्यादा कमाई करना होगी। इसके अलावा फिल्म मलयालम में भी सुपर हिट हो चुकी है और फिल्म तमिल वर्जन में भी सुपर डुपर हिट मानी जा चुकी है। वैसे दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने पुष्पा द राइस नहीं देखी तो सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखिए, यह फिल्म काफी शानदार है। लेकिन अगर आप पुष्पा द राइस सिनेमाघरों में देखकर आ चुके हैं तो यह फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या सुपर फ्लॉप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।